एग्रीकल्चर इंसान की माश का सबसे बड़ा सोर्स खेती और बाड़ी है। आसाम की माश तो 95% एग्रीकल्चर बेस्ड है, और यह हकीकत भी है कि जमीन के अंदर अल्लाह ने बेशुमार खजाने छुपा रखे हैं। जो जितनी और जैसी मेहनत करेगा उसी के बकदर जमीन से उसे रोजी मिलेगी। इसीलिए आज साइंस ने कम वक्त और कम जमीन में ज्यादा फायदा देने वाले खेती बाड़ी का आगाज किया है, और इसके लिए कई स्कीम भी बनाए हैं। वहीं उन लोगों ने सीड्स भी डेवलप किया है कि जो किसानों के लिए बड़ा ही नफा बख्श है। मरकजुल मारिफ ने 2 डेज और 3 डेज फार्मर्स ट्रेनिंग कैंप लगाया है, जो मुख्तलिफ जगहों पर बहुत सारे फार्मर्स इसमें शरीक होकर और तकरीबन 1,62,000 सीड्स भी इन किसानों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया जा चुका है। और इसी को बेस बनाकर मरकजुल मारिफ ने कृषि विज्ञान केंद्र का भी एक प्रोजेक्ट तैयार किया है, जिसके लिए गवर्नमेंट ने होजाई से 60 किलोमीटर दूर कपास पाड़ी में एक बहुत बड़ी जमीन भी अलाट की है, और फिलहाल एक फार्मर्स ट्रेनिंग हॉल भी बन चुका है।